वेलकम हो गया है आपका आफरीन अंसारी चैनल पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं जा रही हूँ अपनी कैट का फूड लाने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे ये इतनी रात को क्यों जा रही है। तो जैसे कि मैं स्कूल से आई थी 4 बजे और आने के बाद मैंने खाना खाकर शारिक के साथ थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग के लिए बैठी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें वक्त हो गया और मुझे जाना पड़ रहा है अभी। और अभी मैं खड़ी हूँ अपनी सोसाइटी के पास में, नीचे एक भाई आ रहा है मेरा गाड़ी लेकर के, शोएब ने लेकर के गया है गाड़ी, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैं अपनी कैट को भी लेकर जाने वाली थी आज शॉपिंग के लिए उसको, क्योंकि उसी का सब सामान आज ख़रीदना है, आज फूड वगैरह सब कैट का ख़रीदना है। तो मैं सोची थी उसको साथ में लेकर के जाऊँगी और आप लोग को भी बताऊँगी कि उन लोग क्या क्या खाते हैं सब चीज़ें, लेकिन मैंने उसको नहीं लाई क्योंकि आसमा सही से गाड़ी नहीं चला पाती और रास्ते में रश भी बहुत रहता है, इसी वजह से मैंने इसको लेकर नहीं आई। तो अभी देखते हैं, हम लोग वहाँ पे बताएंगे आपको जा कर के कि हम लोग कैसे चीज़ें खरीदेंगे उनकी। तो ठीक है, अभी शोएब आएगा तो मैं यहाँ से निकलूँगी। ठीक है, बाय बाय। गाड़ी आ चुकी है मेरी अभी। अभी हम लोग निकले हैं और ड्राइव आसमा कर रही है, अल्लाह जाने अभी मैं सही से पहुंच पाऊंगी कि नहीं। हाँ मनु, इतनी बुरी ड्राइव नहीं करती मैं भाई। ये अभी इतना ब्रेकर पे गाड़ी इतनी ऊपर करेंगी, स्लो गाड़ी चलाती है वैसे। नहीं नहीं, बहुत इतनी बेकार भी नहीं चलाती, कुछ महीनों के बाद चला रही तो जम नहीं रही है। मैं हमेशा बोलती हूँ गाड़ी हमेशा चलाते रहने का तो आएंगी। वालेकुम अस्सलाम। देखते हैं आगे, भागो ऐसे जल्दी, इसकी ड्राइव मुझे जरा भी पसंद नहीं आती है। उतर जा फिर। उतर चले जा पैदल। मेरी गाड़ी की आदत सिर्फ मुझे है और मुझे इसी गाड़ी पीछे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। देखो कैसी गाड़ी चला रही है। तो अभी मैं मच्छी बाजार में हूँ, लुल्लू कलेक्शन के पास। क्या हुआ, पेट्रोल का वापस शुरू हो गया क्या? पेट्रोल पंप आज फिर से बंद होने वाले। नया नाटक का कुछ रूल्स है, वो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है, थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। 31 के लिए बंद किए थे क्या? नहीं, वो ट्रक ड्राइवरों पर कुछ रूल लागू हुए थे तो वो उनको मानने पर राजी नहीं थे, इसी वजह से ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल निकाले थे। हड़ताल मीन्स आप समझ ही गए। शिवाजी चौक की घड़ी के पास हूँ और अभी यहाँ से चलाऊंगी मैं गाड़ी, क्योंकि जो कैट की फूड की शॉप है वो है छाया टाकीज पर, तो हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ से अंदर। तो आसमा गाड़ी नहीं चला पाएंगी, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो चलाती हूँ मैं। उतरो मैडम। तो जैसे कि घड़ी के पास से गाड़ी मैं चलाने वाली थी, लेकिन इसको देखिए यहाँ पे पानीपुरी की दुकान, और अभी हम लोग पानी पूरी खा के ही आगे जाएंगे। चलेंगे, चलो मैं आगे ले लेती हूँ। पानी पूरी किसको किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि पानी पूरी तो सबको ही पसंद रहती है ना अंकल। आधा हिंदुस्तान पानी पूरी का दीवाना है। देखो सोच रहे होंगे क्या मैंने अपनी कैट यहाँ से ख़रीदी हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी कैट बुमरा से ख़रीदी थी और 5 साल पहले मैंने अपनी कैट ख़रीदी थी।
जब वो 2 महीने की थी, तो हम लोग आ चुके हैं लवली में। देख रहे होंगे लवली, देखो अभी हम लोग जाएंगे अंदर। चलो चाबी, वाओ देखो देखो, वाह 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 वाह। चला जाओ, कैट अंदर रहती है। मियाओ फूड का मुझे वो बताओ ना, मैं जो बड़ा लेके जाती हूँ ना 7 kg का, 6 to 8 kg का है क्या? हमें फ्लेवर कौन सा लेके जाती है पता था क्या आपको? ओशन फिश, ओशन फिश लेके जाती हूँ। हाँ। बताओ, एक्चुअल में मुझे फ्लेवर कभी याद नहीं रहते। अंदर है नहीं क्या? अंदर है, लेके आते। तो मैं एक ही साथ में पूरी गोनी लेती हूँ इसकी, क्योंकि वो आराम से 1-2 महीना आराम से जाती है। किटन का ही लेती क्या, अडल्ट का है? दोनों का प्राइस बताओ मेरे, जो लेगी ना किटन और अडल्ट दोनों का प्राइस बताओ मेरे को, मैं देखती हूँ पहले। देखो भाई इसमें से दिख रहा है मुझे, तो जैसे कि कैट सिर्फ बिस्किट से पेट नहीं भरती, उनको लेना पड़ता है चॉकलेट, ग्रेवी, बहुत सारी चीज़ें हैं उन लोगों की भी। और मैं हमेशा यही शॉप से हमेशा परचेस करती हूँ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे सब फ्रेश चीज़ें रहती है। कितना है? 2180 है अडल्ट का, और किटन का 2120 1910 होता 1900 में आएगा। अडल्ट का ना? नहीं, किटन का। तो यहाँ मैंने फूड ले ली हूँ और आसमा अभी पेमेंट कर रही है। तो टोटल इनका हुआ है 2480। सामान देखो ये। तो शॉपिंग हो चुकी है बिल्ली की, खाना लिए है 7 kg का, चॉकलेट आई। तो अभी जाते हैं हम लोग, सामान रख लेते पहले गाड़ी में। ये भी डाल दे, चलो अभी जाते हैं। हम लोग अभी आपको बताएंगे बिल्ली का रिएक्शन कैसा होगा, हम लोग देखेंगे, खाना देख के हमारी दोनों बिल्लियाँ शेर बन जाएंगी, देखते हैं कैसा रिएक्शन देते हैं दोनों भी। उन लोग से ज़्यादा खुश मैं रहती हूँ, जैसा उनको खाना लेके जाके उन लोग से ज़्यादा खुशी मुझे होती है। तो पहुँच चुके हैं शकूर बंगले की तरफ। तो देखो मेरे बच्चों को, दोनों को कितने भूखे थे मेरे दोनों बच्चे। ये दोनों माँ बेटियाँ हैं, और जैसे कि घर में दूसरा खाना था लेकिन वो खाना इन लोग नहीं खाते, इन लोग को मियाँ फूड की आदत है। देखो ये प्यारे बिल्लू जी है, और ये छोटी उसकी बेटी है, इसका नाम बेंटिन है। दोनों बहुत ज़्यादा भूखे थे इसलिए मुझे जाके खाना लेकर आना पड़ा। देखो तो मैं लेकर आ गई हूँ खाना घर पर, और बिल्लियाँ मेरी अभी खा रही है खाना। तो कैट के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खुदा हाफिज़।